अलवर नगर परिषद को इस बार जहां सफाई के मामले पूरे राजस्थान में 2031 रैंक मिली है, वहीं रंग पिछले वर्ष की अपेक्षा 121 रैंक और नीचे चली गई है, जिसे देखते हुए जहां नगर परिषद की सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार में नगर परिषद अलवर से जुड़े बोर्ड की खामियां साफ तौर पर नजर आने लगी है, वहीं इन हालातों के चलते जिले में बढ़ते डेंगू व अन्य मौसमी बीमारियों को लेकर भी लोगों में चिंता बढ़ रही है। ऐसे में अलवर सभापति बीना गुप्ता ने इन हालातों के लिए मौजूदा नगर परिषद अलवर से जुड़े एकमात्र ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही बीना गुप्ता ने कहा कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा तकरीबन 9 सेक्टरों में सफाई निरीक्षक तो नियुक्त कर दिए गए, लेकिन इन सफाई निरीक्षकों की कार्यशैली की मॉनिटरिंग को लेकर संबंधित उच्च अधिकारी द्वारा कोई मॉनिटरिंग व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते यह परिणाम सामने आए हैं, जिसे जल्द से जल्द सुधारने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही यदि इस तरह के हालातों में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित ठेकेदार का ठेका निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि आम आदमी का स्वास्थ्य और नगर परिषद द्वारा सफाई व्यवस्था को पुख्ता तरीके से लागू किया जाना सरकार में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मौजूदा रैंक आई है जो 2021 चल रहा है, उसकी बजाय उलट फेर हो गया, 21-2000 हो गया, दो पहुंच गया, 121 रैंक नीचे आ गया। अब क्या रहेगा, क्या कमी लगी है? नगर परिषद अलवर में रैंक घटने का कारण ये रहा है कि हमारे पहले 3 ठेकेदारों के पास ठेके थे, तो वो तीनों ठेकेदारों को कभी भी किसी टाइम भी बोलते तो तीनों तैयार रहते थे, 3 जैसी भी थी। अभी फिलहाल एक ठेकेदार के पास ही ठेका, 3 ठेके हैं और नाड़ा का ठेका भी उसी के पास है। तो हम 2-3 महीने से जैसे कि मेरी तबीयत भी खराब थी, लेकिन फिर भी ठेकेदार को मैं जहाँ भी देखती हूँ, मैं जाती हूँ और कूड़े का कचरा का ढेर मिलता है, मैं CSI को तुरंत है ना व्हाट्सअप करती हूँ। व्हाट्सअप करने के बाद भी उस लापरवाही ठेकेदार बिल्कुल नहीं हटाता है। मेरा कहना है या तो ये अपनी लापरवाही को चेंज कर दे, नहीं तो बोर्ड की मीटिंग में हम ठेके को हटाने का निर्णय लेंगे, बोर्ड की मीटिंग रखेंगे और 3 ठेकेदारों का ही ठेका देने का हमें निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि अलवर एक ठेकेदार से कभी नहीं सुधरेगा। किसी भी कारण से अलवर की स्वच्छ और साफ नहीं रह सकता है, वो लापरवाही बरतता है और मैं लापरवाही सफाई के मामले में कहीं नहीं बरतती। कोताही बरतने का मतलब है, मैंने दिनेश जी को ये कहा है, वो CSI है, कि आपकी जिम्मेवारी है, आप सुबह सुबह शहर की पूरी मॉनिटरिंग करें और शहर में जाके हर जैसे 9 सेक्टर है, सेक्टर सेक्टर पे जाएं और इनको सबको जो सेक्टर प्रभारी हैं इंस्पेक्टर इनको निर्णय लें और इनको नहीं तो इनको नोटिस दें, या तो सेक्टर पे जाके सारा कचरा तुरंत जहां जहां स्थान पे पड़ा हुआ है ढेर उठवाएं, सफाई करवाएं, नहीं तो इनको सेक्टर प्रभारी से हटाया जाए, ऑफिस में लगाया जाए। मैंने आयुक्त महोदय को भी बोल दिया है कि आप ये सुनो, जो इंस्पेक्टर लगाए हुए हैं, न तो नगर परिषद अलवर का काम होता है ऑफिसों का और न सेक्टर का काम होता है, इसलिए हम इनको ये हमारा निर्णय रहेगा कि हम इंस्पेक्टरों को ऑफिस में ही रखेंगे, क्योंकि न तो हमारा ये साफ सफाई में ध्यान देते हैं और CSI को हमें तुरंत निर्देश देने पड़ेंगे कि आप सुबह सुबह जाके पूरे शहर की मॉनिटरिंग करें और दोबारा ऐसी मतलब हमें लापरवाही और ऐसी सुनने को ना मिले कि हमारा अलवर रैंक में नीचे जाए सफाई के मामले में, जबकि हमारे भी नगर परिषद से पूरा पैसा जा रहा है सफाई का, कोई कमी नहीं है, और पैसे को देखते हमारी आज इतनी रैंक गिर जाती है तो हमें खुद को भी शर्म आती है। इसलिए हम इस लापरवाही को आयुक्त महोदय से मिलके और CSI से मिलके मैं बात करूंगी और आगे इसे सुधारने का प्रयास करेंगे और ठेकेदार को तुरंत इस निर्देश देंगे, या तो सुधार करें नहीं निरस्त करेंगे। ठीक है।